हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लंजन विंग का यूनिवर्सिटी का टाइम अच्छा ही जा रहा था। उन लोगों का फर्स्ट असेसमेंट भी आ गया था, जहां पर सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया, विंग ने भी। उन लोगों के फर्स्ट असेसमेंट में विंग ने अपने पूरे 100% लगा दिया था एंड विंग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। इनफैक्ट विंग ने सेकेंड टॉप भी किया था। फिर भी लंजन को लगता है कि विंग अभी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिजर्व करता है। हालांकि विंग को एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी, क्योंकि लंजन को पता है कि विंग ने कितना एफर्ट डाला था। अब टाइम के साथ साथ लंजन विंग का रिश्ता भी और भी गहरा होते जा रहा था। लंजन को भी पता नहीं कि कब वो दोनों दोस्त बन गए। अब विंग ने लंजन को सजेस्ट किया कि लंजन को एंड विंग को एक साथ पढ़ाई भी करना चाहिए, एंड ऐसा ही हुआ। लंजन ने कोई भी कंप्लेन नहीं किया, उसने एग्री किया एंड पढ़ाई के लिए लंजन विंग के डोम पे आता था। उन दोनों को ही पता है कि जब भी वो दोनों रूम पे पढ़ाई करते थे, उनके रूममेट्स सुनने की कोशिश करते थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट वो लोग इग्नोर करते थे एंड वो दोनों अपने पढ़ाई में ध्यान देते थे। विंग एक क्विक लर्नर है, वो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। ये चीज़ लंजन को और भी अच्छा लगता है। वो लोग ऐसे सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे, तभी विंग का मन किया कि वो लंजन को टीस करेगा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजन क्या तुमने अभी तक खाना खाया है, मेरा मतलब तुमने अभी तक ब्लड पिया है। ये बोलकर विंग ने टीस किया एंड स्माइल किया, पर लंजन ने विंग को इग्नोर किया। बट विंग रुकने थोड़ी वाला था, वो कंटिन्यू लंजन को टीस किया जा रहा था, वो कुछ ना कुछ किए जा रहा था एंड वो बार बार लंजन को फ्लर्टी आइज से देख भी रहा था, जैसे कि विंग को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। उनका हर दिन ऐसे ही जाता था। विंग पढ़ाई भी करता था, लंजन को परेशान भी करता था एंड वो पढ़ाई को लेकर लंजन को कंप्लेन भी करता था, बट लंजन कुछ भी नहीं कहता था, वो विंग की हर एक बातें को सुनता था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे लंजन एंड विंग एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे एंड अब विंग लंजन को टच भी करता था। सिर्फ वो ही नहीं, उसके टेल्स भी लंजन को टच करते थे। विंग का टेल्स बहुत ही सॉफ्ट है, जो लंजन फील कर सकता था। विंग लंजन को अनजाने में टच करता था अपने टेल्स के थ्रू। शायद उसे कुछ फील भी नहीं होता होगा, बट जब भी विंग का टेल्स लंजन को टच करता था, लंजन को बहुत ही अजीब फील होता था। उसे वियर्डली बहुत ही कंफर्टिंग फील होता था। लंजन देख पाता था कि विंग को कोई भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। ये देख के लंजन को बुरा लगता था कि ये पूरा इफेक्ट सिर्फ लंजन के ऊपर हो रहा है। इससे लंजन को शेम फील होता था। उसे लगता था कि उसका ही थॉट्स गलत है। वो उसी इंसान के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है जिसने लंजन को काइंडनेस से अप्रोच किया था, जिसने लंजन से फ्रेंडशिप किया था, वो भी खुद से। तो लंजन को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट स्टिल लंजन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड लंजन के अंदर का वैम्पायर अब नहीं सह पा रहा था। लंजन विंग के बारे में जानना चाहता था। तो आज जब विंग पढ़ाई कर रहा था, लंजन ने पूछा, तुम कभी भी अपने बारे में बात क्यों नहीं करते। ये सुनकर विंग रुक गया। दिन वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो हमेशा अपने बारे में ही बात करता हूँ। लंजन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, तुम अपने बारे में इंपॉर्टेंट बातें नहीं कहते। ये बोल के उस टाइम के लिए लंजन पॉज्ड हो गया। दिल लंजन ने कहा, क्लास में सब लोग अपने अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, बट तुम नहीं करते। ये सुनकर विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विंग टेंस्ड हो गया। उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, और तुम भी तो अपने बारे में बात नहीं करते। विंग को डिफेंसिव देख के लंजन को अंदर ही अंदर डर लगा, बुरा लगा। उसे फील हुआ जैसे कि उसने लाइन क्रॉस कर दिया है, उसे फील हुआ उसने बाउंड्री क्रॉस कर दिया है। बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, जो हो गया है सो हो गया है। बट अब लंजन इस बात को टाल नहीं सकता, तो उसने कहा, तुम मुझे जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बोलने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल पॉज्ड हो गया। उसने कहा, सच में? लंजन ने कहा, सच में। विंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा। दिन उसने कहा, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। हम एक दूसरे को अल्टरनेट करके क्वेश्चंस पूछेंगे एंड जब भी हम में से किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील हुआ, तब हम गेम को बंद कर देंगे, ठीक है? लंजन ने कहा, ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो? ये सुन के विंग एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी किसी को बाइट करके ब्लड पीते हुए नहीं देखा है। तुम लोग इस चीज़ को छुपाते कैसे हो? तुम्हारे सारे विक्टिम्स कहाँ पर है? ये सुनकर लंजन को बुरा लगा।
उसने कहा, हमारा कोई विक्टिम नहीं है, हम ह्यूमन से ब्लड नहीं पीते। ये सुनकर विंग फ्रोन हो गया। उसने कहा, तिन तुम लोग कैसे पीते हो? ये सुनकर लंजा विंग को बोलना चाहता था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने का गेम था, बट विंग कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, मेरा फैमिली एक कम्युनिटी को हर टाइम कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए हमें वो कम्युनिटी बहुत ब्लड डोनेट करता है, वो भी हैप्पीली। विंग ने कहा, देन तुम उन लोगों से डायरेक्टली ब्लड पीते हो? लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, वो लोग मेडिकल सर्विसेज की तरह ब्लड बैग्स में ब्लड डोनेट करते हैं एंड हम उसी बैग से पीते हैं। ये सुनकर विंग लंजा की तरफ लीन हुआ। उसने कहा, टेस्ट कैसा होता है? ये सुनकर लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, बुरा होता है। ये सुनकर विंग हंसने लगा, वो भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। विंग की हंसी की गूंज हर तरफ से आ रहा था, लंजा को अच्छा लग रहा था। देन विंग ने पूछा, क्या तुम कहीं भी ह्यूमन से डायरेक्टली ब्लड पीने का इच्छा रखते हो? लंजा ने कहा, ओकेशनली। ये बोलकर लंजा रुक गया। उसने विंग को ये नहीं कहा कि लंजा सिर्फ विंग से डायरेक्टली ब्लड पीना चाहता है, वो विंग को टेस्ट करना चाहता है। एंड लंजा को पता है कि विंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब से लंजा को विंग का रियल आइडेंटिटी पता चला है, लंजा के अंदर विंग के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। विंग का स्मेल लंजा को और भी अच्छा लगने लगा है, वो एक बार विंग को फील करना चाहता है। बट लंजा ने अपने को कंट्रोल किया एंड सब्जेक्ट को चेंज किया। उसने कहा, अब मेरी बारी है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया एंड विंग का फेस देख के लंजा वॉरीड हो गया। वो सोच रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा कर दिया है, पर वो जानना चाहता है, वो विंग के बातों को अपने साथ शेयर करना चाहता है ताकि विंग को हल्का फील हो, क्योंकि लंजा विंग के लिए कंसर्न है। इस तरफ विंग, वो लंजा के गेज को अवॉइड कर रहा था, वो हर तरफ दिख रहा था सिवाय लंजा के। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने कहा, लंजा ये कोई अच्छा स्टोरी नहीं है तो? लंजा ने कहा, बट मैं सुनना चाहता हूँ। लंजा विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था, बट विंग कहीं भी अपने बारे में बात नहीं करता। विंग सारे पेन को अपने अंदर ही रखता है, जो कि बुरी बात है, लंजा ऐसा नहीं चाहता। तो लंजा विंग के आंसर का वेट करने लगा। विंग ने कहा, उन्हें ह्यूमंस ने ही मार दिया था, वो लोग नॉर्मल हंटिंग के लिए जंगल में गए थे, वो लोग भी हुलीजिंग थे, फॉक्स स्पिरिट थे एंड ह्यूमंस ने उनके ऊपर अटैक किया। मेरे पेरेंट्स ने फाइट बैक किया, बट ह्यूमंस कंटिन्यू उनके ऊपर शूटिंग किए जा रहे थे जब तक उनका डेथ ना हो जाए, एंड देन उनका डेथ हो गया। मैंने उनका बॉडीज भी देखा है, पुलिस मुझे उनके पास लेकर गए थे उन्हें पहचानने के लिए। ये सुनकर लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। लंजा ने कहा, ये सारी चीज़ तो बहुत ही ट्रॉमेटिक होगा। लंजा को सच में बहुत ही बुरा लग रहा था। विंग ने कहा, एनीवेज वैसे भी देन जियांग फैमिली ने मुझे ढूंढ ही लिया कुछ टाइम बाद एंड मुझे एक न्यू फैमिली मिला। लंजा ने पूछा, कुछ टाइम बाद मतलब? तब विंग ने कहा, लंजा एक ही क्वेश्चन, यही डील था ना? लंजा ने कहा, पर मुझे क्लियरली याद है कि तुमने मुझसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। उसने ड्रामेटिकली कहा, लंजा। देन विंग ने कहा, मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद सोशल सर्विसेज मुझे भूल ही गए थे, क्योंकि कोई भी इमॉर्टल नाइन टेल्ड हुलीजिंग को नहीं चाहता था जो कि एक बेबी हो। ये बोलकर विंग ने एक सैड स्माइल किया। लंजा ने पूछा, इमॉर्टल? तुम इमॉर्टल हो? लंजा ने सुना था कि हुलीजिंग इमॉर्टल हो जाते हैं, पर उसने कभी देखा नहीं था। विंग ने कहा, हाँ मैं था। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज हो गया। विंग ने कहा, हुलीजिंग्स बहुत ही वियर्ड क्रिएचर्स होते हैं, हमारे पास जितना टेल्स होते हैं हम उतने ही पावरफुल होते हैं, एंड जैसे ही हमारा नाइन टेल हो जाता है हम इमॉर्टल हो जाते हैं, बट अगर हम किसी भी टेल को खो दे तो वो चीज़ नहीं रहता। लंजा फिर भी कन्फ्यूज था, तो विंग ने कहा, तुमने कैट्स का नाइन लाइव्स के बारे में सुना है ना? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा,
हमारा भी कुछ सेम है, आई मीन हमारे टेल्स का। हमारा टेल्स हमारा पावर है। अगर हमारे सामने कुछ डेंजरस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऊपर कोई डेडली अटैक हो जाए, तो हम अपने टेल्स खो देते हैं, लंज ने कहा। एंड अगर तुमने अपना सारा टेल्स खो दिया तो, विंग ने कहा, हम मर जाते हैं। टेल्स के बिना हम नहीं जी पाएंगे, लंज ने कहा। तुमने कहा कि तुम इमोर्टल थे, बट तुम अब इमोर्टल नहीं हो, इसका मतलब तुमने अपना टेल्स खो दिया है, विंग ने नोट किया। उसने कहा, अंकल जियांग के ढूंढने से पहले मैं स्ट्रीट में रहता था, जो कि बहुत ही रफ टाइम था। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे टेल्स गायब हो गए थे। एंड देन मुझे अडॉप्ट करने के बाद, उसके बाद भी मेरे साथ। ये बोलते हुए विंग कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, उसका आइस रेड हो गया था। अब वो कुछ कह नहीं पा रहा था। ये देख के लंजन एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, उसने विंग को अपनी तरफ खींचा एंड उसे टाइटली हक कर लिया। लंजन के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड था, क्योंकि वो पूरी जिंदगी फिजिकल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करता था एंड आज वो एक इंसान को हक कर रहा था। फिर भी लंजन ने अपने एक हाथ को विंग के हेयर में रखा एंड दूसरे हाथ को विंग के बैक में, एंड वो विंग के बैक में सर्कल ड्रॉ करने लगा उसे शांत करने के लिए। लंजन का फेस विंग के नेक के पास था। वो विंग के ईयर्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग के फॉक्स ईयर्स बहुत ही सॉफ्ट हैं एंड लंजन एक वैम्पायर है एंड विंग एक एनिमल। तो लंजन का टीथ तड़प रहा था विंग को बाइट करने के लिए, बट लंजन ने अपने थॉट्स को हटा दिया, क्योंकि अभी विंग को कम्फर्ट की ज़रूरत थी। विंग बहुत ही सैड है एंड लंजन को विंग को कम्फर्ट करना होगा। लंजन को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आज विंग का ये हालत है, वो ऐसे सैड है, वो ऐसे रो रहा है। लंजन को गिल्टी फील हो रहा था, तो लंजन ने कहा, आई एम सॉरी, हमें ये गेम फिर से खेलने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, इसके वजह से मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान पा रहा हूँ। ये सुनकर लंजन के अंदर अंदर कुछ अलग सा फील हुआ एंड थैंकफुली विंग ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया। वो लोग कुछ टाइम तक वैसे ही थे एंड फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, हाँ सो मच इमोशनल टॉक, अब मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। लंजन ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा लंजन, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हें पता है ना। ये बात विंग ने प्लेफुली कहा। ये देख के लंजन को अच्छा लगा, उसने कहा, मेरा फॉल्ट है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या पनिशमेंट है। लंजन को लगा था कि विंग उसे होमवर्क करने के लिए कहेगा या फिर कुछ और, बट ऐसा नहीं था। लंजन की बात सुन के विंग ने एक डेविलिश स्माइल किया एंड उसने कहा, वेल मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनते ही लंजन समझ गया कि अब तो वो गया काम से। गुस्से में पढ़ाई मेंटल एडुकेशन के साथ साथ फिजिकल एडुकेशन भी होता था, गुस्से में जिम भी होता था एंड कुछ स्पोर्ट्स गेम भी होते थे लाइक बास्केटबॉल एंड ऑल, एंड सब लोग पार्टिसिपेट भी करते थे, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई और क्रिएचर। सब लोग फिजिकल एडुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जब ह्यूमंस एंड डिफरेंट क्रिएचर्स गेम्स खेल रहे हैं, आई मीन स्पोर्ट्स, तब डिफरेंट क्रिएचर्स अपने पावर का एडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली वो लोग ह्यूमन से स्ट्रांग हैं, तो इससे ह्यूमंस हार रहे हैं एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये सब चलते हुए देख के हेडमास्टर लान बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें एक कंपटीशन शो करना चाहिए, एक फेस्टिवल शो करना चाहिए, तो उन्होंने गुसु लान के स्पोर्ट्स फेस्टिवल शो किया। इस फेस्टिवल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारे कंपटीशन होने वाले हैं, जहाँ पर जो चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज वो फेस्टिवल था एंड इस फेस्टिवल में विंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही जियान अली करेगी, बट जियांगजांग पार्टिसिपेट करेगा एंड सरप्राइजिंगली लंजन भी पार्टिसिपेट करेगा। तो फील्ड में जाने से पहले विंग ने लंजन को रेडी किया। लंजन बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। वो दोनों फील्ड में जाने लगे। आज विंग बार बार लंजन को देख रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि लंजन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट अनकवर्ड है, जैसे कि उसके थाई, उसके लेग्स, उसके बाइसेप्स। तो विंग पहली बार लंजन के बॉडी को ऐसे दिख रहा था। लंजन को ऐसे देख के विंग के अंदर ही अंदर गे पैनिक जाग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। सीरियसली
लंजर ट्रूली मैग्निफिसेंट है। लंजर एंड विंग एक साथ साइट में आकर बैठ गए। अभी इवेंट स्टार्ट होने वाला था। विंग ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाएगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये बोलकर विंग हंसने लगा। हंसते हुए विंग लंजर की तरफ देखा, बट लंजर विंग को इग्नोर कर रहा था। वो सिर्फ नोट कर रहा था एंड हूँ कह रहा था। वो विंग के गेस को अवॉइड कर रहा था। कुछ टाइम बाद लंजर ने कहा, डोंट वरी, यहाँ पर सबका ख्याल रखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। विंग ने नोट किया। उसने कहा, गुड लक देन, बट एनीवेज यहाँ पर कोई भी ह्यूमन तुमसे नहीं जीत पाएगा। क्या वो नहीं जानते कि लांस सुपीरियर होते हैं? तुम्हारे साथ चैलेंज करना मतलब हार जाना। लंजर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी फ्लॉज हैं। विंग ने कहा, तुम माय डियर फ्रेंड परफेक्ट हो। ये सुनकर लंजर ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, तुम हैंडसम हो, फनी हो, स्मार्ट हो। अगर तुम ज़्यादा बात करते तो ह्यूमंस एंड अदर क्रिएचर्स तुम्हारे पैरों के तले होते। लंजर ने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता। विंग ने कहा, लंजर, पूरी जिंदगी अकेला रहना टफ है। ये सुनकर लंजर ने विंग की तरफ एक डार्क स्टेयर दिया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। विंग ने कहा, लंजर, पहले डिसाइड कर लो, तुम कंपेनियनशिप चाहते हो या नहीं? लंजर ने कहा, मेरे मन में ऑलरेडी कोई है। लंजर ने ये बात सॉफ्टली कहा एंड ये बोलते टाइम वो विंग को ही देख रहा था। ये सुनकर विंग क्यूरियस हो गया। वो सोच रहा था कि उसने लंजर के साथ किस किस को देखा है, लंजर किसको पसंद कर सकता है। जियांग चैंग नहीं, लंजर तो उसे पसंद भी नहीं करता। निया हुसैन बिल्कुल भी नहीं, एंड जिया नियाली, लंजर को देखकर नहीं लगता कि वो जिया नियाली को टॉलरेट कर पाती है। विंग ने देखा है कि जब भी यानली विंग को टच करती है लंजर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब यानली भी नहीं, देन और कौन? मियान मियान। बट विंग को नहीं लगता कि लंजर एंड मियान मियान ने कभी भी बात किया होगा। बट ऑफकोर्स लंजर शाय है तो शायद वो बात नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, विंग ऑपोजिट जेंडर से बात करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, वो लंजर को हेल्प कर सकता है। ये सोचते हुए विंग को अंदर ही अंदर एक अजीब सा पेन हो रहा था, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। उसने कहा, डोंट वरी लंजर, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। लंजर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के लंजर फील्ड की तरफ जाने लगा जहाँ पर वो रेस करने वाला था। विंग ने भी लंजर का पीछा किया। विंग साइड में खड़ा हो गया एंड लंजर ने पोजीशन ले लिया। रेस के पोजीशन में लंजर बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। रेस स्टार्ट होने ही वाला था। विंग का नज़र सिर्फ लंजर के ऊपर था। विंग का हार्टबीट भी फास्ट हो गया था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसे पता है ये एक नॉर्मल रेस है एंड इनफैक्ट विंग रेस में है भी नहीं, बट स्टिल वो लंजर के लिए बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वो चाहता था कि लंजर जीते, शायद लंजर उसका फ्रेंड है इसलिए। विंग ने देखा कि रेस में जियांग चैंग भी था। वो सोच रहा था जियांग चैंग को कम्पीट करने की क्या ज़रूरत थी। एनीवेज रेस स्टार्ट हुआ एंड लंजर वो जैसे उड़ ही रहा था। वो सबसे फास्ट था। ये देख के विंग का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया था। वो चीयर अप कर रहा था, स्माइल कर रहा था। उसे पता था कि लंजर जीत जाएगा, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लंजर फर्स्ट होने ही वाला था, वो फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करने ही वाला था। तभी सडनली पीछे से कोई और आ गया एंड वो जीत गया। वो एक और क्रिएचर था। ये देख के विंग का स्माइल गायब हो गया। उसे बुरा लगा लंजर के लिए। लंजर सेकंड हुआ। रेस खत्म करके वो विंग के पास वापस आया एंड लंजर का एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टर्न था, जो हमेशा रहता है। विंग ने लंजर के शोल्डर पर पैटिंग की और कहा, लंजर बुरा फील मत करो, मुझे पता है उस क्रिएचर को रेस में कोई भी बीट नहीं कर सकता। लंजर ने कहा, वो अभी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग सोच रहा था क्या लंजर एम्बेरस फील कर रहा है। विंग ने कहा, कम ऑन लंजर, अब ऐसे भी मत कहो एंड ऐसा फील मत करो, अभी भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, तुम किसी ना किसी में तो जीत ही जाओगे। एंड ऐसा ही हुआ। लंजर ने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड वो जीत भी रहा था। बट लंजर नहीं रुक रहा था, वो कंटिन्यू कम्पीट किया जा रहा था। वो हर एक कंपटीशन में भाग लिया जा रहा था, बिल्कुल मैनियक की तरह।
विन को समझ में नहीं आ रहा था कि लंजा को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। एंड लंजा एक बार भी विन की तरफ नहीं देख रहा था। इनफैक्ट वो जब विन के साथ खड़ा भी था तब भी वो विन की तरफ नहीं देख रहा था, वो फील्ड की तरफ देख रहा था। ये देख के विन सोच रहा था आज विन ने क्या कुछ गलत किया है, क्योंकि लंजा तभी ऐसा बिहेव करता है जब विन कोई गलती करता है। बट विन को याद है कि आज विन ने कोई भी गलती नहीं किया है, देन लंजा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी विन ने फील्ड की तरफ देखा एंड उसने देखा कि फील्ड में मियाँ मियाँ खड़ी है। विन को रियलाइज हुआ कि लंजा पूरा दिन सिर्फ फील्ड को ही देख रहा था, इसका मतलब वो मियाँ मियाँ को देख रहा था। सच में मियाँ मियाँ कितना लकी है। विन को अंदर ही अंदर जेलसी फील हो रहा था, बट लंजा ये डिजर्व करता है, लंजा भी एक परफेक्ट पार्टनर डिजर्व करता है। विन ने कहा, यू नो व्हाट, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो तुम उसे डायरेक्टली कह सकते हो। लंजा ने शाय किया, उसने कुछ कहा नहीं और ना ही उसने विन की तरफ देखा। इससे पहले विन फिर से कुछ कह पाता लंजा फिर से एक कंपटीशन में चला गया। ये देख के विन शॉक्ड हो गया, वो सोच रहा था लंजा को क्या हो गया है, उसने ऑलरेडी 7 मेडल्स जीत लिया है, वो और क्या चाहता है, लंजा टायर्ड है। अगर वो ऐसे अपने आप को पुश करता रहेगा तो वो बीमार हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स इस स्पोर्ट्स में भी लंजा थर्ड हुआ, बट वो अभी तक नहीं रुका। ये देख के विंग ने कहा, सीरियसली लंजा, तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। विंग देख सकता था कि लंजा कितना टायर्ड है, बट लंजा ने कहा, तुम एंड मैं अभी कभी एक टीम है, चलो। विंग ने कहा, लंजा बट, लंजा ने कहा, अब भी। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड उसे फील्ड पे खींच कर लेकर आया। लंजा बिल्कुल मैनियक दिख रहा था, ये देख के विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, लंजा मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया होगा, एंड मेरा हालत ठीक भी नहीं है, मैं बीमार हूँ एंड। ये सुन के लंजा ने शाय किया, उसने विंग को जाने दिया एंड वो अपने ओपोनेंट के सामने चला गया। एंड इस बार उसका ओपोनेंट जियांग चेंग था। ये देख के विंग डर गया, वो सोच रहा था लंजा का जो हालत है वो जियांग चेंग को मार देगा, देन वो विंग को मार देगा, देन वो सबको मार देगा, लंजा को क्या हो गया है। इस बार ये कंपटीशन मार्शल आर्ट था एंड जियांग चेंग एंड लंजा एक दूसरे का ओपोनेंट थे। ऑफकोर्स लंजा पावरफुल है, उनका कंपटीशन चलता रहा एंड जियांग चेंग लंजा के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन है। तो लंजा ने जियांग चेंग को जमीन पे पिन कर दिया, बट वो अभी तक नहीं रुका, वो जैसे पागल ही हो गया था। जियांग चेंग ने पेनफुली कहा, तुम उसके लिए गुड एनफ नहीं हो। ये सुनते ही लंजा ने जियांग चेंग के ऊपर अटैक किया। जियांग चेंग खांसने लगा जैसे कि वो मर ही जाएगा। ये देख के विंग दौड़ के उनके पास आया, वो लंजा को पीछे खींचने लगा, बट ऐसा हो नहीं रहा था। देन विंग ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने पावर का यूज किया, उसने लंजा के साथ एक शॉर्ट फाइट किया, उसने अपने टेल्स की मदद लिया एंड उसने लंजा के हाथों को जमीन पे पिन कर दिया। फाइनली वहां पर जेबोचुन आए एंड जेबोचुन एंड विंग की मदद से वो लोग लंजा को वहां से लेकर गए। लंजा, जेबोचुन, विंग एंड जियांग चेंग एक रूम में थे। विंग अभी तक लंजा को पकड़ के खड़ा था। जेबोचुन ने कहा, मेरे भाई के बिहेवियर की वजह से आई एम सॉरी, मैं आपको एश्योर करता हूँ, इससे पहले उसने ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं किया था। ये बोलते हुए जेबोचुन ने लंजा को एक ब्लड का बैग दिया पीने के लिए, लंजा उसे पीने लगा। ये सुन के जियांग चेंग ने कहा, देन अभी वो पागल हो गया है। ये बोल के जियांग चेंग ने स्माइल किया। ये सुनते ही लंजा ने जियांग चेंग की तरफ ग्लेयर किया, अगर अभी विंग उसे पकड़ के ना रखता तो लंजा ये भी जियांग चेंग के ऊपर अटैक करता। जेबोचुन ने विंग के हाथों में दो और ब्लड बैग दिया और कहा, उसे पिला देना, ठीक है, विंग ने नोट किया। देन फाइनली विंग ने लंजा को जाने दिया। लंजा ब्लड पी रहा था एंड वो आई भी जियांग चेंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। देन कुछ टाइम बाद विंग लंजा को खींचकर वहां से लेके जाने लगा उनके चेंजिंग रूम की तरफ। लंजा ने प्रोटेस्ट नहीं किया, वो चुपचाप विंग को फॉलो करने लगा। फाइनली वो लोग चेंजिंग रूम में आ गए एंड रूम पे आती विंग ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ पाए। अभी चेंजिंग रूम में लंजा एंड विंग अकेले थे। विंग ने कहा, व्हाट द हेल लंजा। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को झुका लिया, उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। विंग ने हंसते हुए कहा, रियली लंजा।
इस बार विंग का हंसी गुस्से में था। विंग ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया था? लंजा ने कहा, मुझे माफ करना, मैं अपने कंट्रोल खो दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लंजा के फेस में साफ गिल्ट दिख रहा था। ये देख के विंग का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, तुम एक सिली हो, पागल हो, तुम एक लड़की के अटेंशन के लिए अपने आप को इतना तकलीफ दे रहे हो। ये सुनकर रंजन ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, मैं ये सब किसी लड़की के लिए नहीं कर रहा। विंग ने कहा, रियली? देन तुम ऐसे पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे थे? रंजन ने कहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। विंग ने कहा, ओके, मुझे ये बताओ कि गुसू के जेठ को ऐसे फ्रस्ट्रेशन कौन दे सकता है? रंजन ने कहा, तुम। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। पहली बार उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। इससे पहले वो कुछ कह पाता या फिर समझ पाता। लंजन उसे अपनी तरफ खींचा एंड वो उसे किस करने लगा। लंजा का लिप बहुत ही सॉफ्ट एंड कूल था। विंग को सब कुछ समझने में टाइम लगा एंड जब उसे रियलाइज हुआ कि वो दोनों किस कर रहे हैं, वो भी किस में मेल्ट हो गया। वो भी फुल फोर्स के साथ लंजा को किस करने लगा। वो लंजा को किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, लिक भी कर रहा था, जैसे कि वो स्टर्ब्ड हो। लंजा के लिप्स का टेस्ट उसे अच्छा लग रहा था। विंग के टेल्स ने लंजा को रैप कर लिया था। उसके टेल्स लंजा के बैक को टच कर रहा था, उसके नेक को टच कर रहा था एंड इससे लंजा मौन कर उठा। वो दोनों कंटिन्यू किस करते रहे। देन किस करते हुए लंजा ने विंग के लिप में बाइट किया एंड विंग के लिप से ब्लड निकलने लगा एंड लंजा को फाइनली विंग के ब्लड का टेस्ट मिला। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों का ही आइस डार्क था। लंजा का हाथ विंग के वेस्ट में था एंड विंग का हाथ लंजा के बॉडी में। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुमने ऑलमोस्ट मेरे भाई को मार ही दिया था। लंजा ने कहा, वो डिजर्व करता है। ये सुनकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, शायद, बट तुम्हें उससे माफी मांगना होगा लंजा। ये सुनकर लंजा ने ग्रोन किया बट उसने नोट किया एंड इसकी वजह से विंग ने लंजा को और भी किसेस किया, जो कि लंजा के लिए एक रिवॉर्ड था। बट एनीवेज, ये स्पोर्ट डे उन लोगों के लिए इतना भी बुरा नहीं था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।